भाई बड़ा ही सीरियस मुद्दा है। है सर, हमारे खिलाड़ियों को सस्पेंड कर दिया 2 मैच के लिए। वही नहीं खेलेंगे तो टीम में बचेगा कौन? यही तो, मुझे तो ये ICC की चाल लगती है सर। अरे तो क्या करें, अगले महीने हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही है, हम उनसे वैसे ही हारते रहते हैं, अगर ये 8 भी नहीं जाएंगे तो क्या हाल होगा हमारा? सर क्यों ना नए लोगों को चांस दिया जाए? अरे चांस तो दे देंगे, लेकिन सचिन जैसा बल्लेबाज कहाँ से लाए जिसके पास वो वीजा पावर हो। हाँ है एक बल्लेबाज। कौन? 25 साल से रणजी ट्रॉफी खेल रहा है वो। क्या? हर साल सैकड़े में सैकड़ा मारता लेकिन आज तक उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। कौन है? मुसद्दी लाल गावस्कर। ये तो नाम कुछ सुना सुना सा लगता है। बड़ा धुरंधर बल्लेबाज है वो। उम्र कितनी है उसकी? 45 साल। हैं? क्रिकेट खेलने के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं है। अरे उम्र ज्यादा हो गई तो क्या हुआ, जॉन्टी रोड से भी ज्यादा फिट है वो। वही है जो भारत की नाक बचा सकता है। ठीक है, बुला उसको। अरे यार ये तो बैक फुट पे जाके हुक करना चाहिए। कब सीखेंगे क्रिकेट खेलना ये साले? तुम सारी जिंदगी यही बैठे बैठे हुक करोगे या कभी वहां भी जाकर खेलोगे? विकेट कीपर की तरह पीछे से कमेंट ना कर, देखना जिंदगी में एक टाइम आएगा जब सुनील गावस्कर के इस चेले मुसद्दी लाल गावस्कर को क्रिकेट बोर्ड वाले कैच करके ले जाएंगे। अरे देख थर्ड मैन पे कौन आया है, यही बैठी रहती है स्लिप पर। जाती हूँ। आजा आजा भाई, बस तू ही है जो मैच बचा सकता है, कम ऑन। अरे एक लेटर आया है तुम्हारे लिए। किसका है? कुछ CC बोर्ड। CC बोर्ड? किधर दिखा। CCP का लेटर आया है। CCP का लेटर। अरे वाह, ये तो CCP ने हाफ वाली फेंकी है। अरे क्या हुआ? सीधा सिक्सर। क्या हुआ? अरे मुझे ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। क्या? हाँ, बस अब तू जल्दी से डीप गली में जा, वहां से 5 रुपए के लड्डू कैच करके ला, भगवान को डिलीवर करने। ओके। हे भगवान, 25 साल के बाद तूने शॉर्ट पिच बॉल फेंकी है, इस बार तो छक्का मार के रहूंगा। नहीं नहीं, क्या है, मेरे जोन से उन दोनों खिलाड़ियों का नाम पक्का है। हाँ मैं जानता हूँ वो परफॉर्म नहीं कर पाते, मैं जानता हूँ, मगर क्या है वो उनका नाम पक्का करना पड़ेगा। नहीं वो पॉलिटिकल प्रेशर है ना भाई, उनका सिलेक्शन करना पड़ेगा। हाँ नहीं, वो दोनों के नाम फिक्स हैं। नहीं नहीं, वो फिक्सिंग नहीं है, नाम फिक्स है। ओके। हाँ ओके। चाय पटेल साहब। जी पांडे जी, मेरा नंबर भी लगा दीजिए, एक चांस दे दीजिए। मैं क्या है पांडे जी, तुम हमारे जोन में नहीं आते ना, यूपी के हो ना, तो शुक्ला जी के जोन में आते हो, उनसे बात करो। के वो मुझे नहीं लेगा सर। क्यों? एक बार रणजी में जब वो अंपायर बना था मैंने उसे पीट दिया था। अरे बाप रे, क्यों? अरे जब भी बॉलिंग करने जाओ पान थूक देता था, एक बार मेरी पैंट में थूक दिया, मैंने वहीं धो डाला। मतलब पैंट को कि शुक्ला जी को? शुक्ला को। शुक्ला जी को धो डाला? ओह देन सॉरी, तुम क्यों नहीं ठीक हो। कोई बात नहीं, मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगा, ऐसी बाउंसर मारूंगा कि शुक्ला भी हुक नहीं कर पाएगा। Excuse me. ओ मुसद्दी। अरे जी। क्या हाल है यार? बस ठीक है, और क्या हाल है? बस वही भाग भाग कर रन ले रहा हूँ, आप सुनाओ अपनी। वही 12th man। अच्छा सिलेक्शन हो गया? अरे कहाँ 12th man, माने वही चाय पानी पिला रहे। Okay. लेकिन तुम्हें मुबारक हो, सुना है कि ऑस्ट्रेलिया जाने वाली टीम में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। हाँ 25 में तो सिलेक्शन हो गया है, अब बाकी देखते हैं जो अच्छा खेलेगा वही जाएगा। बात सिर्फ अच्छा खेलने की नहीं है, अच्छी फील्डिंग की है। अच्छी फील्डिंग करो और ऑस्ट्रेलिया जाओ। अब फील्डिंग का तो आपको पता है पांडे जी, स्लिप में कैच आता है और मैं गली में पकड़ लेता हूँ। लेकिन यहाँ स्लिप में कैच आके गली में पकड़ने वाली बात नहीं है। तो कौन सी बात है? यहाँ बात है कि आप स्टेडियम के बाहर हों और गली में आके कैच पकड़े। तो ये कैसा पकड़ना हुआ भाई? पिछले 10 साल से यही फील्डिंग कर रहा हूँ मैं। तो कैच कर लिया क्या? कहाँ कैच किया, कैच पकड़ने के लिए भागता हूँ और कहता हूँ माइन माइन, लेकिन कोई और ही पकड़ के ले जाता। तो मैं कैसे पकड़ूं? मैं सिखाऊंगा ना। अरे कमाल है, आप खुद तो पकड़ नहीं पाए, मुझे क्या सिखाएंगे? कोच बनने के लिए जरूरी नहीं कि आपको अच्छा खेलना आता हो। ये बात तो ठीक है। अच्छा तो बताइए कैसे कैच करूं? पटेल से मिलो, देखो क्या बोलता है, फिर मुझे बताओ। अच्छा पटेल कहाँ मिलेंगे? वहाँ। वहाँ तो दिखाई नहीं दे रहे। टी ब्रेक हुआ ना अभी। ओके। वो देखो देखो, आया आया आया। ये लीजिए, अब देखना कैसे हुक करता हूँ। सवाल के हुक करना, कहीं हिट विकेट मत हो जाना। ओवर। सतीलाल गावस्कर? जी सर। सुनील गावस्कर के रिश्तेदार हो?
काश के होता सर। होने से भी कुछ नहीं होता जी सर। नहीं भाई क्या है, क्रिकेटर के रिश्तेदार होने से थोड़ी ही कुछ होता है, क्योंकि ऐसा होता तो रोहन गावस्कर तो बेटा है उसका, उसका कुछ हुआ बेचारे का? नहीं सर, पर खेलता बहुत अच्छा है सर। अब अगर अच्छा खेलने से सिलेक्शन होता तो तुम्हारा तो 25 साल पहले हो गया होता। तो कैसे होता है सर? भाई क्रिकेटिंग ब्रेन होना चाहिए ना। वो तो है सर। कहाँ है? यहाँ सर, अंदर जहाँ नॉर्मल ब्रेन होता है वहाँ है सर। नहीं नहीं, क्रिकेटिंग ब्रेन वहाँ नहीं होता जहाँ नॉर्मल ब्रेन होता है। तो कहाँ होता है सर? अभी वो तो इतना भी नहीं पता कि क्रिकेटिंग ब्रेन कहाँ होता है और क्रिकेटर बन गया अब तो। वो तो मैं अपने टैलेंट से बना हूँ सर, पिछले 25 साल से लगातार रणजी ट्रॉफी खेल रहा हूँ और हर साल सेंचुरी मारता हूँ रणजी में सर। तभी तो हटाते नहीं है वहाँ से। क्यों सर? अरे भी क्या है, टेस्ट क्रिकेटर बन गया तो फिर रणजी छोड़ दोगे तो फिर वहाँ सैकड़े कौन मारेगा? नहीं लेकिन सर, वो तो टेस्ट क्रिकेट में सिलेक्ट होने के लिए तो परफॉर्म करता हूँ सर। वो तो ठीक है, पर क्या सर? भाई क्या है, बाय द वे किस जोन से खेलते हो तुम? जी मैं नॉर्थ जोन से खेलता हूँ सर। ओ फिर तो मुश्किल है। क्यों सर? भाई नॉर्थ जोन का कोटा तो फुल हो गया है। मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा सर? देखो भाई क्या है, 25 खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया है, उनमें से तुम एक हो। एक महीने का कैंप है, एक महीने तक देखेंगे, अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी लगी तो फिर बता देंगे कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्या सर? पर सर आप ये पहले से कैसे बता सकते हैं सर कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा सर? अभी हम तो पहले से ये भी बता देते हैं कि मैच कौन जीतेगा, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया। ऐसा कैसे सर? गैस वर्क है। इतना स्ट्रॉन्ग कैसे सर? मेरे गैस पे मत जाना, मेरे गैस पे मत जाना, वो तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। बट जब यू नो समथिंग, मैंने 20 साल पहले गैस किया था कि तुम टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलोगे। क्या? पर क्यों सर, मैं तो क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी हूँ सर, मैं अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ सर। ठीक है रणजी विंजी के लिए ठीक है, मगर क्या है, टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छा खिलाड़ी के साथ साथ क्रिकेटिंग ब्रेन होना जरूरी है, और तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि क्रिकेटिंग ब्रेन होता कहाँ है। तो ठीक है सर, आप ही बता दीजिए सर कि क्रिकेटिंग ब्रेन कहाँ होता सर? क्रिकेटिंग ब्रेन तो देखो अभी टाइम नहीं है मेरे पास, क्या है अभी कल बात करेंगे इस बारे में। नहीं पर सर, सॉरी वेरी सॉरी, कल आना। कल से क्या है वो, हाँ एक महीने का कैंप शुरू हो रहा है ना, तो एक महीने तक खेलिए फिर देखेंगे, अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा ही अच्छी लगी तो फिर सोचेंगे। ओके बाय। जी सर। क्रिकेटिंग ब्रेन है नहीं और क्रिकेटर बन गए। तुमने भी वही गलती कर दी ना जो हमने की थी। कौन सी गलती? अच्छा परफॉर्म क्यों कर रहे हो? अरे सिलेक्ट होने के लिए तो अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा ना पांडे जी। कौन बोला? तो क्या करूं? जोन चेंज कर दो। मतलब नॉर्थ जोन से खेलते हो ना? हाँ। वेस्ट जोन से खेलना शुरू कर दो। अरे उससे क्या होगा, आप खामखा में वाइट बॉल फेंक रहे हो। अरे समझा करो, सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन प्रेसिडेंट सब वेस्ट जोन के हैं, तुम खेलते यूपी से हो, वेस्ट जोन से खेलना शुरू कर दो, सिलेक्शन पक्का। अच्छा हाँ ठीक है, मैं आज ही एप्लीकेशन देता हूँ। ओके, मैं कल ही शुक्ला से मीटिंग कराता हूँ। ओके। क्या क्या प्रैक्टिस चल रही है आपकी? जॉन राइट का फोन आया था, कह रहा था क्या टन्ना टन खेल रहे हैं आप। जॉन राइट बोला टना टन? बस ऐसे ही खेलते रहो टना टन, कोई तुमको नहीं रोक सकता टीम में आने से। सर मुझे पूरा विश्वास था कि कोई और कदर करे ना करे मेरे टैलेंट की, लेकिन आप जरूर करेंगे। अरे हम तो करेंगे, बस आप भी एक काम करिए। जी बोलिए सर। बाहर जाइए, चौरसिया से 4 पान लेते आइए। जी हाँ जल्दी जाइए ना, लेते आइए। अरे दिमाग खराब हो गया आपका, मैं एक क्रिकेटर हूँ और एक क्रिकेटर होके मैं पान लेने के लिए जाऊंगा? कभी नहीं। फिर कर दी ना सौरव गांगुली बात, पानी नहीं पिलाएंगे। अरे सीनियर लोगों की सेवा भी करना एक किस्म का क्रिकेट होता है। ये पान लाना क्रिकेट है? कल को 12th मैन बने, पानी पिलाना पड़ा फील्ड में तो वो तो पानी है ना, ले आऊंगा। तो ये पान है ना, तो ले आओ ना। कभी नहीं। आप लोगों ने समझ क्या रखा क्रिकेटर को? आप सिलेक्टर हैं? आप सिलेक्टर नहीं है तो क्या है हम? ऑल ऑफ यू आर अ बंच ऑफ जोकर्स। जोकर है हम? जी हाँ जोकर हैं आप। क्रिकेट कभी खेला नहीं और क्रिकेट की बात करते हैं। ओ भाई साहब, 3 बार खेला संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी? हाँ कैप्टन थे हम, कैप्टन। संतोष ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं, फुटबॉल में होती है। अच्छा, हमें तो लगा क्रिकेट में होती है। ट्रॉफी का नाम तक तो मालूम नहीं है और बने फिरते हैं सिलेक्टर। बनाया किसने सिलेक्टर आपको? देखो देखो देखो, पान लाना है लाओ, लेकिन ये सीक्रेट बात मत पूछो यार। अरे मुझे जरूरत भी नहीं है सीक्रेट जानने की, मैं जा रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। बेटा करते रहो प्रैक्टिस। संतोष ट्रॉफी जानते हो? महेंद्र अमरनाथ बनने की जरूरत क्या थी, मनोज प्रभाकर बन के नहीं खेल सकते थे? देखिए पांडे जी, मैं पान वान नहीं ला के दूंगा किसी को,
तो नहीं लाते पान, लेकिन सेलेक्टर्स को जोकर कहने की जरूरत क्या थी? एक बात बता दूं आपको, मैं एक क्रिकेटर हूं और अगर मेरे साथ कोई बॉल टेम्परिंग करेगा ना तो मैं माइक डेनिस की तरह उसको सस्पेंड कर दूंगा। आप अपील करने से क्या फायदा? तो क्या करूं? एक ही तरीका है। बताइए ना। कोच की बात तो सुनते नहीं हूं। अरे सुनूंगा प्लीज। जो मैं कहूंगा वही करोगे? यस कोच। चाहती हुई बॉल से कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। मतलब? मतलब खामखा का पंगा मत लो। ठीक है, नहीं लूंगा। ट्वेल्थ मैन भी बनना पड़े तो? बन जाऊंगा। ट्वेल्थ मैन का मतलब समझते हो? हाँ हाँ, पान वान ला के देना होगा। गुड, आज के लिए ये टिप्स बहुत है, अब जाके फील्डिंग करो। कहाँ? लॉन्ग ऑन पे। ये लॉन्ग ऑन कहाँ है? नहीं पता, वहाँ जहाँ बोर्ड प्रेसिडेंट भाटिया जी बैठते हैं। ओके। यस जी, मेरा नाम सतीलाल गावस्कर है। तो मैं फील्डिंग करने के लिए जा रहा था। तो वहाँ कहाँ जा रहे थे? बताया ना आपको, मैं फील्डिंग करने के लिए जा रहा था। कमाल है, बॉल उधर है और कैच इधर पकड़ रहा है। हाँ बॉल। यही तो। मुझे तो बॉल दिखाई नहीं दे रही। आओ मैं दिखाती हूँ। गुड, तुम तो बड़ी अच्छी फील्डिंग करते हो। मैडम एक बार मेरी आई सेट हो जाए ना तो बॉल कद्दू दिखने लगती है। ये कद्दू ही है। अच्छा, मुझे लगा मेरी आई सेट हो गई है। अभी गार्ड लिया नहीं, बॉल खेली नहीं और पहले से आई सेट हो गई। अरे मैडम 25 साल से रणजी ट्रॉफी का मैच खेल रहा हूँ। रणजी ट्रॉफी में हर साल सेंचुरी बनाता हूँ। सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड है मेरा। अब तो गार्ड लेने से पहले ही बॉल फुटबॉल दिखने लगती है। आप एक बार मुझे ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच के लिए भेज के तो देखें। मैंने वो शेन वॉन और मैग्रा के छक्के ना छुड़ा दिए तो मेरा नाम मुसद्दीलाल गावस्कर नहीं है। उसके लिए तो अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा ना। भाटिया जी क्या कर सकते हैं? तो अच्छा परफॉर्म तो मैं कर ही रहा हूँ। तो क्या फिर भी सिलेक्टर सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं? इसीलिए तो भाटिया जी से मिलना चाहता हूँ। वो बिजी हैं। तो मैं वेट करूंगा। पर तुम्हारी तो बैटिंग प्रैक्टिस है ना? बैटिंग प्रैक्टिस तो बहुत है मैडम, मुझे फील्डिंग प्रैक्टिस की जरूरत है। बस एक बार भाटिया जी से मिलवा दीजिए। पहले कद्दू तो छिल दो। कद्दू तो छिल गया आपका? ओह वाओ, अब जाओ। कहाँ? घर। तो मैं तो यहाँ भाटिया जी से मिलने के लिए आया हूँ। पर भाटिया जी तो यहाँ मिलने के लिए नहीं आए। मतलब? वो प्रैक्टिस ग्राउंड गए हैं प्रैक्टिस देखने के लिए कौन कैसे परफॉर्म कर रहा है। क्या? यही तो, तुम यहाँ बैठे हो। तो आप पहले क्यों नहीं बोली? बोला तो था कि बैटिंग प्रैक्टिस करनी है, तो तुमने कहा कि फील्डिंग करनी है तो करो। तो अब क्या करूं? कल आना। कल मिल जाएंगे भाटिया साहब? दो कद्दू और है। दो कद्दू? यही तो। देखिए मैडम, मैं आपके सारे कद्दू काट दूंगा लेकिन आप मुझे भाटिया साहब से मिलवा दीजिए। उसके लिए कद्दू काटने की जरूरत नहीं है। तो कद्दू बनाने की जरूरत है। मैं समझा नहीं। भाटिया जी को कद्दू की सब्जी बड़ी पसंद है। अच्छा, यही तो। कल कद्दू बना के लाइए, भाटिया जी खुद बखुद तुम्हें मिलने के लिए आएंगे। मजा आ गया। वाह यार, तुम्हें तो हलवाई होना चाहिए। सॉरी सर, गलती हो गई, पर मैं क्रिकेटर हूँ। छोड़ो यार, मैं तुम्हें कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाता हूँ ना, हर मैच में तुम ही खाना बनाओ, हम भी कमाएं तुम भी कमाओ। नहीं सर, पर मैं तो क्रिकेटर बनना चाहता हूँ सर। क्यों? आखिर क्यों? सर क्रिकेट मेरी जिंदगी है सर, मैं इससे दूर नहीं रह सकता सर। क्यों? तुम्हें क्या लगता है जो खाना बनाते हैं वो क्रिकेट से दूर हो जाते हैं? अरे मुझे देखो, मैं मेरे खानदान में कभी किसी ने क्रिकेट नहीं खेला। वो बल्ला पकड़ना नहीं आता मेरे को, और मैं पूरे देश को क्रिकेट सिखाता हूँ। और वो उषा जी है ना जो बाहर बैठी हुई है, खो खो नहीं खेला कभी उसने जिंदगी के अंदर, वो बोर्ड की सेक्रेटरी है। तुम खाली पीली इमोशनल हो रहे हो यार, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा यार। जो आदमी इतना बढ़िया कद्दू बनाता है वो क्रिकेटर बन जाए। लेकिन सर, एक आदमी जो इतना अच्छा क्रिकेट खेलता है वो कद्दू बनाने लगे, ये चलेगा? अब भाई होनी को कौन टाल सकता है। ऐसा मत कहिए सर, आप जो कद्दू खा रहे हैं आपको उसकी कसम सर, आप मुझे स्टॉप मत कीजिए, मेरा सिलेक्शन कर लीजिए। आप एक बार सिलेक्शन कर लीजिए, फिर देखिएगा कि दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं क्या हूँ। क्या? तो दुनिया को ही दिखाऊंगा ना सर। नहीं, पहले हमको दिखाओ फिर दुनिया को दिखाना। क्या बैटिंग? नहीं फील्डिंग। हमारी टीम की फील्डिंग कितनी वीक है, इसलिए कोचिंग में चेंजेस करने पड़ते हैं हमेशा। कोई ठीक से फील्डिंग करता ही नहीं है। सर मैं तो इतने दिनों से फील्डिंग कर रहा हूँ सर। नहीं और मेहनत करो, एक काम करो तुम फील्डिंग की पोजीशन चेंज करो। कहाँ जाऊँ? कवर पे। किसकी कवर पे? कवर पे नहीं, कवर में। देखो मेरी वाइफ का ड्राइवर वो छुट्टी पे गया हुआ है, तो मैं काम करो मैडम को फोन कर लिया करो, कभी शाम को जरूरत पड़ जाए तो। नहीं सर, पर शाम को तो मुझे वहाँ फील्ड पे जाना पड़ता है ना सर। पहले फील्डिंग सीखोगे तभी तो फील्ड में जाओगे। जी सर। सर मेरा सिलेक्शन सर? अच्छी फील्डिंग करो, फिर देखेंगे लास्ट 14 में आते हो कि नहीं। सर कल कद्दू के पराठे बना के लाऊं? वेरी गुड। सर वो जो लास्ट 14 में से हमने 8 प्लेयर निकाले हैं, उनके नाम है पप्पू पांडे। पप्पू पांडे? हाँ सर। कहाँ से खेलता है? सर हमारे गांव से सर। अरे कभी रणजी वंजी भी खेला है? अरे खिलवा लेंगे नेक्स्ट टाइम सर, पहले टेस्ट मैच तो खेल लेने दीजिए। ऐसे कैसे भाई, मेरिट से लेना चाहिए ना। सर मेरिट से लेते हो तो क्या आप और हम यहाँ होते? ठीक है ओके, नेक्स्ट। नंदू नरवारे, पिल्लू पटेल।
पिल्लू पटेल? ये मेरा दूर का भतीजा है। नहीं नहीं भाई, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? उसकी तो परफॉर्मेंस सही नहीं थी। सर ऑस्ट्रेलिया जाने का बड़ा दिल है उसका, कांगारू वांगारू देखकर वापस आ जाएगा, फिर निकाल देंगे। ओके ओके नेक्स्ट। सर शंभु शेट्टी, निर्भय थापर, टिल्लू बजाज और राहुल रॉय। मुसद्दीलाल गावस्कर? नो 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 सर, छगन भुजबल। नो नो नो, मुसद्दीलाल गावस्कर। नो सर, उसकी परफॉर्मेंस फील्ड पर ठीक नहीं थी। हाँ सर, फील्डिंग वील्डिंग करता नहीं, प्रैक्टिस तो करता नहीं, टोटली लूज टाइप। झूठ बोल रहे हैं आप, वो लगातार प्रैक्टिस पे आता रहा, क्यों सर? यही तो, मेरे कितने कद्दू काटे उसने। हाँ, इतनी फील्डिंग करता है, इतनी फील्डिंग करता है, इतने लोग ग्राउंड में भी नहीं करते। नो सर, सिलेक्शन कमेटी ने जो डिसाइड कर लिया वही होके रहेगा सर। आप बोर्ड के प्रेसिडेंट को चैलेंज कर रहे हैं? सर सिलेक्शन के मामले में आप ना पड़े तो अच्छा है। मुसद्दीलाल गावस्कर को लेना पड़ेगा। ओके, तो हम वॉकआउट करेंगे, क्या शुक्ला जी? हाँ सर, हम नहीं खेलते, जाइए। अरे ये तो बैठे बैठे बवाल हो गया, क्या करें उषा जी? क्या सर, मान लेंगे शुक्ला की बात? नहीं नहीं उषा जी, आप समझती नहीं है, बाहर ये बात लीक हो गई कि भाटिया ने एक प्लेयर से एक महीना फील्डिंग कराई, उसके बाद उसे बैटिंग नहीं दी तो कोई भी फील्डिंग नहीं करेगा सर। अरे कोई हमें पूछेगा नहीं, यही तो। डोंट वरी सर, एक आइडिया है मेरे पास। जल्दी दीजिए पांडे जी। लेकिन एक शर्त पे। क्या? आप टीम में मुझे भी भेजेंगे? क्या? ऐसी बॉलिंग करूंगा, ऐसी बॉलिंग करूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बस बस बस, एक काम कीजिए आप, मुसद्दी लाल से पटेल और शुक्ला की फील्डिंग करवा दीजिए, आपकी बॉलिंग हम करवा देंगे। भाई मुसद्दी लाल, तुम्हारा सिलेक्शन होते होते रह गया। कैसी बातें कर रहे हो कोच, 25 साल बाद लास्ट 25 में मेरा नंबर आया है और आप कह रहे हो कि मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जाऊंगा? कल लिस्ट निकलने वाली है और उसमें तुम्हारा नाम नहीं है। मगर क्यों? वो कहते हैं कि तुम्हारे पास क्रिकेटिंग ब्रेन नहीं है। अरे भाई ये क्रिकेटिंग ब्रेन होता क्या, कहाँ होता है? ये ब्रेन से थोड़ा नीचे और पेट से थोड़ा ऊपर। ब्रेन से थोड़ा नीचे और पेट से थोड़ा ऊपर। जेब जेब खाली करो। अरे जेब तो पहले से खाली है। अरे एक बार क्रिकेट टेस्ट टीम में घुस गए तो जेब कभी भी खाली नहीं रहेगी। पर आऊंगा कैसे? अरे क्रिकेटिंग ब्रेन का इस्तेमाल करो। पर वो तो है ही नहीं ना। 5 लाख रुपए ले आओ, कल शुक्ला से मीटिंग करा दूंगा। 5 लाख रुपए लाऊंगा कहां से? अरे मुझे मालूम होता तो मैंने ले आता। ओके, ले आऊंगा। कहां से? मेरी बीवी का बाप बहुत पैसे वाला आदमी है, उससे ले लूंगा। तुम्हारी बीवी के बाप की एक और बेटी है क्या? नहीं तो क्यों? नहीं ऐसे पूछ रहा था। तो कोई बात नहीं, 5 लाख रुपए ले आओ और अगले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया। ये होता है क्रिकेटिंग ब्रेन। तो भैया अब इस एग्रीमेंट पर साइन कर दो। ये मेरा ऑस्ट्रेलिया जाने का एग्रीमेंट है? नहीं वो तो बाद में, ये तो हमारा आपस का एग्रीमेंट है। आपस का मतलब मैच के फीस का आधा पैसा हम ले लेंगे। क्या भैया? स्पॉन्सर फीस का 50% हमारा। लेकिन मैं आपको क्यों दूंगा, अपनी मेहनत की हुई कमाई मैं आपको नहीं दूंगा। ठीक है तो मत दो, फिर ना कहना कि दो बातें हो जाएगी। कैसी दो बातें? भाई देखो 50% दिया तो ठीक, नहीं दिया तो दो बातें होंगी, या तो तुम टेस्ट क्रिकेट खेलोगे या तो नहीं खेलोगे। खेलोगे कैसे? और नहीं खेला तो दो बातें होंगी, या तो पैसे कमाओगे या तो नहीं कमाओगे। कमाओगे कहाँ से भाई, और नहीं कमाया तो फिर ठीक है जाओ, 50% के चक्कर में 100% गवाओ, है ना शुक्ला जी? हाँ जाओ। पांडे जी ये तो कुगली है, खेल जाओ, पैडिंग किया तो LBW हो जाओगे। अच्छा ये लीजिए अब दूसरा। हाँ ये एग्रीमेंट, ये हो गया साइन सर। ओके कांग्रेचुलेशंस भाई, ऑस्ट्रेलिया जाने वाले 14 खिलाड़ियों के लिस्ट में तुम्हारा नाम शामिल हो गया। थैंक यू सर। और सर मैं जिसने इतनी मोटी कमीशन दिलाई, तुम भी जाओ पांडे जी। तो कब जाना होगा? भाई अगले हफ्ते। ओके जाओ लेकिन हार के मत आना। हाँ तू चिंता मत कर, मैं ऐसी बैटिंग करूंगा कि सबके छक्के छुड़ा दूंगा। छुड़ाना नहीं लगाना। अरे इंडिया को तो तुम्हारे ऊपर ही भरोसा है मेरे तेंदुलकर। तू चिंता मत कर मेरी भारत माता, जिताऊंगा, जरूर जिताऊंगा, बस एक बार मुझे बैटिंग का मौका मिल जाए। क्या बात कर रहे हैं आप, इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा है वो। कौन? मुसद्दीलाल? नहीं नहीं पिल्लू पटेल, मेरा भतीजा। अरे वो बैटिंग कहाँ करने लग गया, उसे तो बैटिंग के लिए भेजा था। ये गलत है यार, ये गलत है, अगर हम मैच जीत गए तो नाक कट जाएगी। यही तो सर, मार्केट में आपका कितना बड़ा नाम है। क्या करें? हेलो, हाँ थैंक यू सर, हम मैच हार गए। मुबारक हो। सबसे ज्यादा स्कोर किसने बनाया? पिल्लू पटेल ने 15। और मुसद्दीलाल ने? मुझे तो यहाँ वापस इंडिया भेज दिया सर। पर क्यों?
पहले मुझे 14th प्लेयर बनाया, फिर 13th प्लेयर बनाया, फिर उसके बाद 12th मैन बना दिया। चलो तरक्की तो की ना। अरे क्या खाक तरक्की की, 12th मैन बन के वो जो नंदू नवारे है उसकी जगह मैं फील्डिंग कर रहा था सर, तो पप्पू ने विकेट पे बॉल मारने के बजाय यहाँ मार दी तो मैं तो इंजर्ड हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम इलाज करवा देंगे। अरे नहीं, डॉक्टर कहता है कि कम से कम साल भर लग जाएगा ठीक होने में। अरे बाप रे, फिर तो इसका करियर तो खत्म हो गया भाई। यही तो, पर चलो अच्छा टेस्ट प्लेयर तो बन गया। 12th मैन ही सही। नहीं सर, मैं दोबारा से फिट होके आऊंगा और इंडिया के लिए ऐसी बैटिंग करूंगा, ऐसी बैटिंग करूंगा कि इंडिया को जिताऊंगा। बैटिंग से? हाँ हाँ बैटिंग से। अरे भाई वो तो तुम टीम के बाहर रहकर भी कर सकते हो। टीम के बाहर रहकर बैटिंग? बैटिंग नहीं, बैटिंग। कैसे? अरे बैटिंग करते करते 10-12 साल में सेलेक्टर बन जाओगे। अरे मैंने तो ठीक से एक टेस्ट मैच भी नहीं खेला है तो मैं सेलेक्टर कैसे बन सकता हूँ? अरे हमने तो एक भी नहीं खेला फिर भी बने हैं ना। हाँ, भारतीय क्रिकेट जिंदाबाद। समझे आप? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।